चलिए अब जान लेते हैं कि यूपी में आज क्या खास है। जी हाँ, यूपी की हर एक हलचल क्या आज यूपी में खास होने जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। तो यूपी में क्या खास है, आज रात से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज दोपहर 3:40 पर वो वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर यहाँ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और फिर दशाश्वमेघ घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। वाराणसी के बाद कल सोनभद्र और मिर्जापुर भी जाएंगे राष्ट्रपति। और यूपी में और क्या खास है वो बताते हैं। सीएम योगी आज दोपहर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो वाराणसी सोनभद्र और मिर्जापुर जाएंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे सीएम आवास से निकलेंगे और दोपहर 2:40 तक राष्ट्रपति का स्वागत कार्यक्रम है। शाम 5:50 पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। शाम 6:30 दशाश्वमेध घाट और फिर गंगा आरती में शामिल। उधर लखनऊ में आज क्या होने जा रहा है, बीजेपी की ग्राम चौपाल को लेकर पार्टी ने प्रवास कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत आज ग्राम चौपालों के क्रम में बीजेपी के तमाम नेता चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आज बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले में ग्राम चौपालों के माध्यम से तमाम गांव वालों के साथ संवाद करेंगे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया में ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह बरेली जिले में ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। मथुरा जिले की बात करें तो यहां पर कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और विधायक करिंदा सिंह और पूरन प्रकाश ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे और सरकार के कामकाज का ब्यौरा, क्या कुछ सरकार ने उनके लिए किया है, ये सब कुछ उन तक पहुंचाएंगे।